हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो आप सभी जानते हैं ये आपका एसपी बख्शी समरी सेशन है और इसमें हम लोग फ्रेजल वर्ब्स का डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले चार वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप सारी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस जाकर देख सकते हैं। एक एक करके पूरी फ्रेजल वर्ब्स कवर की जा रही हैं। आज के इस वीडियो से 100 तक की फ्रेजल वर्ब्स कवर हो जाएंगी और आगे के इसके बाद करीब 100 फ्रेजल वर्ब्स और बचेंगे, उन सभी को हम कवर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने, आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सिर्फ इतना काम करेंगे आपको ये सीरीज फ्री में मिलती रहेगी। शुरू करेंगे इस वीडियो को। अन अकेडमी पर मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, आप इनमें सब्सक्रिप्शन लेकर इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट अंग्रेजी का कोर्स है, रात के 8 बजे चलता है। एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये दो पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारा कोर्स 23 जुलाई से शुरू होगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे हमारा बैच आ रहा है, तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें हम लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। 15 जुलाई से ये बैच शुरू होगा, दोपहर के 3 बजे इसमें हमारी क्लास होगी। इसके अलावा डेली हमारी 2 फ्री क्लासेस हो रही हैं, इनको दोस्तों जरूर ज्वाइन कीजिए। 1 बजे की क्लास में हम लोग रीजनिंग का मॉक टेस्ट करते हैं और 5 बजे की क्लास में हम लोग इंग्लिश का मॉक टेस्ट करते हैं। इन दोनों ही क्लासेस को आप जरूर से ज्वाइन कीजिए और इसमें हम लोग इनको अच्छे से पढ़ेंगे। फ्री क्लासेस हैं तो इसके आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें आपको दोनों क्लासेस की लिंक रोज मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर आपको इन क्लासेस की लिंक मिलेगी। इसके अलावा अन अकेडमी पर इस समय बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 14 जुलाई से शुरू हो रहे हैं आपके लिए, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग बैचेस हैं हमारे जो कि 14 जुलाई से शुरू होते हैं। इसके अलावा अन अकेडमी पर अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आप SSC का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 5,850 रुपये में और 3 साल का सब्सक्रिप्शन 7,020 रुपये में मिलेगा, अगर आप मेरा फ्रेजल रेफरल कोड यूज करते हैं, दैट इज AMANT। और SSC+Bank का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 1.5 साल का सिर्फ 6,000 रुपए में और 3 साल का मात्र 10,000 रुपए में आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल करना होगा। अगर आपका कोई क्वेरी है तो वो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। इन सभी चीजों में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्लासेस पे ज्वाइन कीजिए और वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको रोज रात में मिल जाती है आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आपको ये PDF आपको मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, @AmanTrivedi II में लिखोगे तो आपको मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिल जाएगा। वहां पर आपको मैं वोकैबुलरी की रील्स देता हूं जिससे आपको वोकैबुलरी याद हो सकती है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। शुरू करेंगे आज के अपने वीडियो को जिसमें हम लोग फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला फ्रेजल वर्ब हमारा है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? गेट थ्रू फ्रेजल वर्ब का मतलब हो जाता है पास थ्रू होना या सक्सीड होना या सफल होना, ठीक है? तो गेट थ्रू का मतलब हो जाता है सफल होने के सेंस में आता है गेट थ्रू। हाउ विल यू गेट थ्रू दिस, आप इसमें सफल कैसे हो गए, आप इसको पार कैसे पाओगे, उस सेंस में आता है आपका गेट थ्रू, जीतना या फिर समझना। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट थ्रू एग्जामिनेशन विदाउट लेबर, यानी कि बिना मेहनत किए एग्जामिनेशन को पार पाना, एग्जामिनेशन में सफल होना संभव नहीं है। तो गेट थ्रू का मतलब हो जाता है जीतना या फिर समझना। अगला जो अब इसको आप याद रख सकते हैं, इफ यू वॉन्ट टू गेट थ्रू SSC CGL यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप SSC CGL में सफल होना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब होता है गेट अप। गेट अप का मतलब बहुत सिंपल है, गेट अप जो कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, गेट अप का मतलब हो जाता है राइज फ्रॉम बेड, यानी कि उठना, जगने के सेंस में आता है गेट अप। सो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये बहुत ही नॉर्मल कोट है, आपने बचपन से ही सुना होगा। तो गेट अप का मतलब होता है जागने के सेंस में आता है गेट अप, जागना या फिर उठना, ठीक है? यू विल हैव टू गेट अप एट 6 टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तुम्हें सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा।
तो गेट अप बहुत सिंपल फ्रेजल वर्ब है, आप ध्यान रखेंगे। अभी हमने दो फ्रेजल वर्ब से याद की, एक गेट थ्रू, दूसरी है गेट अप। गेट थ्रू का मतलब सफल होना और गेट अप का मतलब हो गया जागना। तो इन दोनों को आप आसानी से याद रख लेंगे। अगली जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है गिव अवे। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आपने यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें अलग अलग यूट्यूबर्स गिव अवे करते रहते हैं। जैसे टेक्निकल गुरु जी हैं, वो भी गिव अवे करते रहते हैं। अलग अलग वीडियोस हैं जो आपके गिव अवे करते हैं, यानी कि चीजों को बांटते हैं। तो गिव अवे का मतलब हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट करना, सौंपना। तो शी हैज गिवन अवे ज्वेलरी वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। उसने हजारों रुपए की ज्वेलरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो गिव अवे मतलब हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो जैसे यूट्यूबर्स हैं, अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, चीजों को बांटते रहते हैं, तो उस सेंस में आता है आपका गिव अवे। अगला जो हमारा, तो गिव अवे आप याद रख सकते हैं ना, मेक गिव अवेज ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। तो गिव अवेज जो है यूट्यूब पे आपके अक्सर चला करते हैं। अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है गिव इन। ये भी बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब है हमारा गिव इन। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना या किसी से सहमत होना, यील्ड करना, YIELD। यील्ड करने का मतलब भी होता है समर्पण, समर्पण कर देना। गिव इन करना, सकम करना, मतलब हो जाता है समर्पण कर देना। ठीक है, एट फर्स्ट शी वॉज एडमेंट बट एट लास्ट शी गेव इन टू द रिक्वेस्ट ऑफ हर फ्रेंड। यानी कि पहले वो काफी ज्यादा जिद्दी थी, लेकिन एंड में शी गेव इन, उसने सरेंडर कर दिया, उसने समर्पण कर दिया फॉर हर ऑफ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे। तो गिव इन का मतलब हो जाता है सरेंडर करना या सहमत होना। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान गेव इन 1971 वॉर। आपको ये अच्छे से याद होगा, पाकिस्तान ने 1971 के वॉर में हथियार डाल दिए थे और समर्पण कर दिया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू। अगला हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है गिव आउट। तो गिव अब गिव अवे हो गया, अब दूसरा है गिव आउट। गिव आउट का मतलब हो जाता है अनाउंस करना वर्बली या फिर एमिट करना किसी चीज को। तो अनाउंस करने के लिए आता है गिव आउट, घोषणा करना। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज गिवन आउट दैट शी हैड फेल्ड। यानी कि ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि वो फेल हो गई है। तो गिव आउट का मतलब होता है आपका फेल हो जाए, अनाउंस करना किसी चीज को। ठीक, सो आपको ये अच्छे से याद होगा वासेपुर का ये सीन, जब वो कहता है हजरात हजरात हजरात, तो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज गिविंग आउट, यानी कि वो अनाउंसमेंट कर रहा है। तो गिव आउट मतलब आप आसानी से याद रखेंगे, गिव आउट मतलब हजरात हजरात हजरात, यानी कि अनाउंसमेंट करना, घोषणा करना। ठीक, अगला नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है गिव अप। गिव अप का मतलब हो जाता है आपका किसी चीज को गिव अप कर दिया। डोंट गिव अप, नेवर गिव अप, आपने बहुत ही ज्यादा कोड सुना होगा। तो कभी भी असफलता मत स्वीकार करो। गिव अप का मतलब हो जाता है, एक तो हो जाता है स्टॉप, किसी चीज को रोकना, दूसरा हो जाता है अब्सटेन फ्रॉम, यानी कि किसी चीज से दूरी बना लेना। तो मीनिंग हो जाएगा आपका त्यागना या फिर छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड गिव अप। ही गेव अप स्मोकिंग टू सेव मनी, यानी उसने पैसे बचाने के लिए उसने स्मोकिंग को त्याग दिया। तो गेव अप मतलब किसी चीज को त्यागना भी होता है। जैसे ही गेव अप स्मोकिंग टू सेव मनी, यानी कि उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया पैसे बचाने के लिए। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल गिव अप स्मोकिंग आप याद रख सकते हैं, पैसे बचाने के लिए आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया, तो गिव अप स्मोकिंग मतलब त्यागना। दूसरा गिव अप का मतलब आपका यह भी होता है, नेवर गिव अप, आपने ये कोट बहुत सुना होगा, यानी कि कभी भी त्यागो मत, कभी भी आप हार मत मानो। तो नेवर गिव अप, हमेशा पकड़ के रखो, कभी भी उसे छोड़ो नहीं, तो उस सेंस में भी आता है आपका गिव अप। ठीक, अगला नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है गिव वे। गिव वे का मतलब क्या हो जाता है आपका, गिव वे का मतलब हो जाता है आपका कोलैप्स अंडर प्रेशर और ब्रेक। मक्खी आवाज कर रही है, इस वजह से मुझे हंसी आ रही थी, आपको शायद सुनाई दे रहा होगा। एनीवेज, गिव वे का मतलब हो जाता है कोलैप्स अंडर प्रेशर या फिर ब्रेक, टूटना, यानी कि प्रेशर की वजह से कुछ टूट जाए या ब्रेक हो जाए, दैट इज कॉल्ड गिव वे। सो टूटना के लिए आता है गिव वे। The contractor was charged with negligence when the roof of a new building gave way. तो जब नई बिल्डिंग की जो छत थी वो गिर गई, वो टूट गई, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर था उस पर नेग्लिजेंस का आरोप लगा, उस पर ध्यान न देने का आरोप लगा। तो गिव वे का मतलब हो जाता है आपका किसी चीज का टूट जाना।
ठीक है, बेड कोलैप्स अंडर प्रेशर, तो जैसे इस मकान की छत गिर गई तो दैट गिव वे, ठीक है, तो गिव वे मतलब होता है टूटना, द ब्रिज गिव वे अंडर प्रेशर, तो किसी भी चीज के गिरने के सेंस में आता है आपका गिव वे। अगला है आपका, नेक्स्ट हमारा हो जाता है गिवन टू, तो गिवन टू बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है अकस्टम्ड टू, ही इज गिवन टू स्मोकिंग, यानी कि वह स्मोकिंग का आदि है, तो किसी चीज का आदि होना, लति होना क्या हो जाता है, गिवन टू, ठीक है, तो ही इज गिवन टू स्मोकिंग, यानी कि वो सिगरेट पीने का लति है, तो गिवन टू का मतलब हो जाता है आपका गिवन टू, आई एम गिवन टू यू, मतलब मुझे तो तेरी लत लग गई, तो आपने ये गाना सुना होगा ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, लत लग गई, तो आई एम गिवन टू यू, तो गिवन टू यू का मतलब हो जाता है आपका किसी की लत लगना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब होता है गो बैक, तो गो बैक का मतलब हो जाता है पीछे जाओ, ठीक है, वापस जाना, विदड्रॉ करना, बैकआउट करने के लिए आता है गो बैक, ठीक, सो लौट जाना या वादा तोड़ने के लिए आता है गो बैक, ठीक। वन शुड नॉट गो बैक ऑन वंस प्रॉमिस, यानी कि किसी को भी अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटना चाहिए, तो गो बैक आप आसानी से याद रख सकते हैं, आपको ये पोस्टर बहुत अच्छे से याद होगा, साइमन गो बैक, यानी कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी इसी आंदोलन में, साइमन गो बैक यानी कि साइमन वापस जाओ, तो गो बैक के लिए आता है, वापस जाने के लिए आता है, वापस जाओ, विदड्रॉ करना या बैकआउट करने के लिए आता है गो बैक, ठीक। तो गो बैक बहुत ही मतलब फेमस फ्रेजल वर्ब है, इस पिक्चर के थ्रू आप इसे याद रख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा होता है गो डाउन, गो डाउन का मतलब क्या होता है, गो डाउन मतलब हो जाता है टू बी बिलीव्ड, योर आप पे विश्वास किया जाने के लिए आता है गो डाउन, फॉर एग्जाम्पल योर एक्सक्यूज विल नॉट गो डाउन, यानी कि तुम्हारा जो एक्सक्यूज है उस पे विश्वास नहीं किया जाएगा, तो गो डाउन मतलब हो जाता है विश्वास किया जाना, योर एक्सक्यूज विल नॉट गो डाउन, यानी कि तुम्हारा जो बहाना है उस पे विश्वास नहीं किया जाएगा, तो गो डाउन मतलब होता है टू बी बिलीव्ड, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, बहुत ही अच्छा है, गो डाउन मतलब विश्वास किया जाना, ठीक है, सो इसको आप याद रख सकते हैं, आसान है। अगला जो है हमारा गो इन फॉर, गो इन फॉर का मतलब क्या होता है, गो इन फॉर मतलब हो जाता है किसी चीज को खरीदना, बाय करना, प्रैक्टिस करना, टू एंटर अ कॉन्टेस्ट, तो ये तीनों इसके मतलब हो जाते हैं, जैसे आई एम इन फॉर ट्रबल, ही इज गो इन फॉर समथिंग, तो गोइंग फॉर समथिंग मतलब हो गया टू एंटर अ कंटेस्ट, बाय करना, खरीदना या फिर प्रैक्टिस करना, सो प्राप्त करना या शौकीन होने के लिए आएगा। आई थॉट ऑफ गोइंग इन फॉर टीचिंग, मैंने टीचिंग के लाइन में जाने के बारे में सोचा, ठीक है, टू एंटर समथिंग, तो गो इन फॉर मतलब टू एंटर समथिंग, टू एंटर अ कंटेस्ट और टू एंटर एनी फील्ड, तो इस सेंस में आता है गो इन फॉर, ठीक है, जैसे आई थॉट ऑफ गोइंग इन फॉर टीचिंग, मैंने टीचिंग लाइन में जाने के बारे में सोचा, ठीक, तो गोइंग इन फॉर मतलब किसी में जाना, सिंपल है, मतलब इसलिए सिंपल है क्योंकि गो का मतलब भी जाना है और मीनिंग भी मिलता जुलता है। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब हो जाता है एक्सप्लोर करना या फिर टू बी डिस्चार्ज्ड, ठीक है, किसी चीज के एक्सप्लोर करने के लिए आता है, एक्सप्लोर करना, फट जाना एकदम से, तो उसके लिए आता है गो ऑफ, ठीक है, मतलब दौड़ जाना या भाग जाना अचानक से, एक्सप्लोर करने के लिए आता है गो ऑफ, याद रखेंगे आप। व्हेन ही वाज क्लीन, हिंदी में मीनिंग गलत लिखा है, व्हेन ही वाज क्लीनिंग हिज गन इट वेंट ऑफ एंड किल्ड हिम, यानी कि जब वो गन को साफ कर रहा था तो वो अचानक से उसमें विस्फोट हो गया एंड ही इट किल्ड हिम, तो व्हेन ही वाज क्लीनिंग द गन इट वेंट ऑफ, वेंट ऑफ मतलब एक्सप्लोर हो गई, फट गई, ठीक है, तो गो ऑफ का मतलब हो जाता है एक्सप्लोर होने के लिए आता है आपका गो ऑफ, ठीक। चलिए अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी गो ऑन, तो गो ऑन का मतलब सिंपल है आपका, गो ऑन का अर्थ हो जाता है किसी काम को कंटिन्यू रखना, जारी रखने के लिए आता है गो ऑन, जारी रखना, कंटिन्यू रखना। देयर इज नो नीड टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, यानी कि कोई भी जरूरत नहीं है इस चीज के बारे में लगातार बहस करने की, ठीक है, तो गो ऑन मतलब हो जाता है कंटिन्यू रखना, जारी रखने के लिए आता है आपका गो ऑन। देयर इज नो नीड टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, अबाउट दिस, के बारे में आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो गो ऑन आप आसानी से याद रख सकते हैं, मतलब होता है कंटिन्यू रखना। गो ओवर, गो ओवर का मतलब हो जाता है आपका किसी चीज को एग्जामिन करना केयरफुली या फिर अच्छे से उसे देखना पढ़ना, तो उसके लिए आता है गो ओवर। ठीक, ऑन गोइंग ओवर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी द ऑडिटर्स हैव फाउंड सीरियस मिस्टेक्स, यानी कि जब ऑडिटर्स बैलेंस शीट को एग्जामिन किए अच्छे से पढ़े तो उन्हें बहुत ही सीरियस मिस्टेक्स मिली बैलेंस शीट में। तो गो ओवर का मतलब हो जाता है एग्जामिन करना केयरफुली या बहुत अच्छे से जांच करना। ठीक, सो आप इसे याद रख सकते हैं, गो ओवर मतलब हो जाता है एग्जामिन करना किसी चीज को अच्छे से। अगला है गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब हो जाता है जैसे मैं आपको कोई किताब दूं एंड आई से गो थ्रू इट, मतलब इसको फटाफट जल्दी से पढ़ जाओ, रीड हरीडली, जल्दी से पढ़ने के लिए आता है आपका गो थ्रू, या फिर एंड्योर करना यानी किसी चीज को बियर करने के लिए सहने के लिए भी आता है गो थ्रू। ठीक, जांचना या सहना दोनों इसके अर्थ है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ही डिंट लेंड मी द न्यूज़पेपर बिकॉज ही वॉज गोइंग थ्रू इट, उसने मुझे न्यूज़पेपर नहीं दिया क्योंकि वो उसे पढ़ रहा था, तो ही वॉज गोइंग थ्रू इट के लिए आता है गो थ्रू इट, मतलब पढ़ने के सेंस में आता है कि आप जैसे आपको याद होगा स्त्री फिल्म में पंकज त्रिपाठी इनको एक किताब देता है तो क्या कहता है गो थ्रू दिस बुक, इस किताब को पढ़ जुड़ो जल्दी से, तो गो थ्रू मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है गो अप, तो गो अप, गो मतलब जाना, अप मतलब ऊपर, सिंपल है। गो अप मतलब हो गया राइज या फिर इंक्रीज, किसी चीज में बढ़ोतरी होना, ठीक है, बढ़ना या ऊपर चढ़ना। सो एज अ रिजल्ट ऑफ शार्प प्राइस इन द प्राइस शार्प राइज इन द प्राइसेस ऑफ वॉशिंग सोप हैज गॉन अप, तो जैसे कि एज अ रिजल्ट ऑफ अप शार्प राइज इन द प्राइसेस द प्राइस ऑफ वॉशिंग सोप हैज गॉन अप, एक्चुअली यहां पर डिमांड होना चाहिए, तो जैसे ही आपकी शार्प राइज हुआ है आपके वॉशिंग सोप के प्राइसेस में तो उनकी डिमांड जो है वो भी बढ़ गई है, इस तरीके से आप, थोड़ा एग्जांपल गलत है वैसे ये, तो गो अप मतलब होता है राइज होना, जैसे द डीए हैज गॉन अप टू 27%, डीए जो है वो 28% हो गया है, तो गो अप मतलब होता है राइज करना, बढ़ना या इंक्रीज होने के लिए आता है आपका गो अप। ठीक है, तो सिंपली राइज इन प्राइस किसी भी चीज के बढ़ने के लिए आता है गो अप। अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है हमारा हैंड आउट, तो हैंड आउट बहुत ही कॉमन है, किसी चीज को बांटना डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव अवे के लिए आप याद रख सकते हैं हैंड आउट करना, किसी चीज को बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना हो जाएगा आपका। हैंड आउट द बुक्स ऑफ बुक्स टू द स्टूडेंट्स, यानी कि किताबें जो हैं स्टूडेंट्स को हैंड आउट कर दीजिए, बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्या हो जाता है हैंड आउट, तो हैंड आउट मतलब हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो हैंड आउट मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते थे पहले हैंड आउट बांटा करते थे किसी भी एग्जाम के बाहर खड़े होकर, तो हैंड आउट मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो हैंड आउट आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब हमारा हो जाता है हैंड ओवर करना, हैंड ओवर करना मतलब हो जाता है थामना, कुछ देना किसी को, हैंड ओवर करना, तो गिव चार्ज और अथॉरिटी, किसी को चार्ज देना या अथॉरिटी देना क्या हो जाएगा, हैंड ओवर करना, ठीक, सौंपना किसी को कुछ, तो फॉर एग्जाम्पल ही हैज नॉट हैंडेड ओवर चार्ज टू द न्यू मैनेजर, यानी कि उसने जो चार्ज है वो नए मैनेजर को नहीं सौंपा है, तो हैंड ओवर मतलब हो जाता है चार्ज देना या कुछ अथॉरिटी देने के लिए आता है हैंड ओवर, गिव चार्ज देना या अथॉरिटी देने के लिए आ जाएगा हैंड ओवर सौंपना। ही हैज नॉट हैंडेड ओवर चार्ज टू द न्यू मैनेजर, उसने नए मैनेजर को चार्ज जो है वो अभी तक नहीं सौंपा है, हैंड ओवर मतलब गिव चार्ज या अथॉरिटी। ठीक है, तो जैसे हैंड ओवर कर रहा है, ये चाबी दे रहा है तो ये हैंड ओवर कर रहा है, मतलब अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपना। ठीक है, अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है हैंग अबाउट, तो हैंग अबाउट मतलब होता है आपका कि किसी के साथ वेट करना या इंतजार करना या रोम करना फ्रीली ऐसे ही, तो उस सेंस में आता है आपका हैंग अबाउट, प्रतीक्षा करना या व्यर्थ में समय बिताने के लिए आता है आपका हैंग अबाउट। तो फॉर एग्जांपल हो जाएगा देयर इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ टीनएजर्स हैंगिंग अबाउट एट द टॉप ऑफ माय स्ट्रीट, यानी कि मेरी स्ट्रीट के टॉप पे हमेशा कुछ ना कुछ लड़कों का समूह हैंग आउट करता रहता है, एकदम टाइम वेस्ट करता रहता है, मतलब चिल करता रहता है, उस सेंस में आता है। So for example, we were just hanging about, ये students जैसे थे, they were just hanging about, they were just chilling and time pass कर रहे थे, उसे कहते हैं hang about। Hold on, hold on मतलब क्या होता है, जैसे मैं भी कई बार कहता हूँ hold on, hold on मतलब एक मिनट रुको, तो hold on मतलब हो गया carry on, bear difficulties या फिर persist, किसी काम में लगे रहना।
पकड़े रखने के लिए आता है हैंड ऑन, होल्ड ऑन. तो इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ही हेल्ड ऑन एंड सक्सीडेड इन द लॉन्ग रन. यानी कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बावजूद वो लगातार लगा रहा और लंबे समय में वो सक्सीड हुआ, वो सफल हुआ. तो हेल्ड होल्ड ऑन का मतलब होता है लगे रहना मुश्किल परिस्थितियों के बाद भी. तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बावजूद वो लगा रहा, वो कंसिस्टेंट रहा, परसिस्टेंट रहा, कंटिन्यू रहा एंड वो लंबे रन में सफल हो गया. ठीक है, सो होल्ड ऑन आप आसानी से याद रख सकते हैं, मतलब होता है किसी काम में लगे रहना. तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही. आशा करता हूं जितनी वेरी फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाई हैं आपको याद हो गई होंगी. आगे की जो 100 फ्रेजल वर्ब्स बची हैं वो भी मैं आपको इसी टाइम पे कवर करा दूंगा, बशर्ते आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखा कीजिए और इसे शेयर करिए, थोड़ा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज. ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही. आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू सो मच.